वेल, इस प्रोजेक्ट में आपको हमारी कंट्री के ज्योग्राफिक और हिस्ट्री के बारे में बताना है, पर ये प्रोजेक्ट कपल में करना है। हम कपल गेम की मदद से चूज करेंगे। मैंने पहले ही इसमें 7 क्लासमेट के नेम लिखे हैं। प्लीज, मैं एड्रियन के साथ करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज। मैं जानती हूँ ये किसे चाहती है। हाँ, एड्रियन, ये कितना अच्छा हुआ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आलिया कि मुझे उसका नाम मिला। अब हम इस प्रोजेक्ट के कपल्स हैं। वाओ, अब हम दोनों इस प्रोजेक्ट के कपल्स बनने वाले हैं। उसे पता चल गया। ये कितना रिडिकुलस है, उसे मेरा पार्टनर होना चाहिए था। ये सच में एक डिजास्टर है, सच में डिजास्टर। बाद में मिलते हैं गाइस, गुड लक। मुझे तो बहुत नर्वस हो रही है। मैं ये प्रोजेक्ट एड्रियन के साथ करने वाली हूँ। मुझे अभी किस बारे में बात करनी चाहिए? फैशन के बारे में? मुझे नहीं पता। वैसे कोई शक की बात नहीं है, हमारा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा। हाँ। मैं घर आ गई मॉम, मैं अपनी क्लासमेट के साथ आई हूँ। हमें साथ में मिलकर एक प्रोजेक्ट करना है। एड्रियन, थोड़ी देर के लिए यही रुकना। Hi, Miss Dubang Chang. Welcome, Adrian. Oh no, Tiki. मैं Adrian को ये mess नहीं देखने दे सकती। Mary, रुको। हाँ, रुको Mary नेट, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। अभी नहीं Tiki, बाद में। Mary नेट, oh no, वो तो मुझे सुन ही नहीं रही है। पर वो इस बारे में नहीं जानती है। इस पार्ट को हम प्रोजेक्ट में जोड़ेंगे तो ये अच्छा रहेगा। क्या रिलीफ मिला, हमने सब कुछ पूरा ही कर लिया। हे, हम यहाँ पे कंक्लूजन जोड़ सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अभी वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये मेरी अपॉर्चुनिटी है कि मैं डॉल को छुपा दूँ। पर इस मैरिनेट ने इसमें क्या भर रखा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकती हो? मैं आ रही हूँ मम्मा, मैं बस अभी आई। ओके, सब कुछ फिनिश हो गया है, अब बस यहाँ पे थोड़ा ही है। मुझे इसे जल्दी ही छुपाना होगा। नहीं, ओ नो, अब उसे पता चल जाएगा। ओह, वो क्या था? ये डॉल, पर ये डॉल यहाँ कैसे हो सकती है? ये तो वही डॉल है। वाओ, ये कितना सुंदर है। ये सरप्राइज मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है माय लेडी। ये बहुत ही सुंदर सरप्राइज है कैट, और मैं नहीं जानती कि मुझे क्या कहना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर है। रिलैक्स माय लेडी, ये तो मेरी तरफ से थैंक्स है जो क्रिसमस गिफ्ट तुमने मुझे दिया था। और ये मेरा रियल क्रिसमस गिफ्ट है तुम्हारे लिए। सॉरी थोड़ा लेट है। हाँ, मेरे लिए? वाओ चैटनी, और ये बहुत सुंदर है, तुमने इसे बनाया? वेल, मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी, जितना मैं दे सकता था। थैंक यू सो मच चैटनियर। हे, आप चलो कुछ खाते हैं माय लेडी, मेरे पास कुछ है। ऑफ कोर्स किटी। ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है चैटनियर। तुम्हारे साथ खाने में इसे और स्वाद बढ़ गया है। वेल, सॉरी एड्रियन, मुझे देर हो गई। हाँ, तो इसका मतलब यही लेडीबग है। एड्रियन, तुम क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारी डॉल है? तुम्हें तो मेरी डॉल मिल गई। ये डॉल एक प्रेजेंट थी, किसी खास इंसान ने मेरे लिए बना के दी थी। और मुझे इसके नए नए कपड़े बनाना, डिजाइन करना बहुत पसंद है। ये बहुत सुंदर है। क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कहा क्या? अगर ऐसा है तो नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं इतना नर्वस क्यों फील कर रहा हूँ, ये अजीब है। क्या सब कुछ ठीक है? मुझे पहले कैसे पता नहीं चला, ये तो बिल्कुल उसी की जैसी दिखती है। मैं उसकी तरफ भी नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूँ? एड्रियन, ये लाल क्यों हो रहा है? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं हूँ। मैरिनेट, I'm sorry, ये सारी मेरी गलती थी। मुझे डर है अगर उसने किसी को ये सच्चाई बता दी तो। ओह, ये तो मेरा फोन है। I'm sorry, मैरिनेट, मुझे जाना होगा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, और मैं श्योर हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट होगा। हम आप कल स्कूल में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। ओह टिकी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एड्रियन के साथ थी। मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो इस बारे में बात भी नहीं कर सकती। क्या तुम ठीक हो टिकी? अब मुझे याद आया कि तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। कुछ भी तो नहीं मैरिनेट। क्या तुम श्योर हो? ओके, तो मैं पापा की मदद करने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। टिकी,
मैं इस दोस्ती में फेल हो गई और मैंने झूठ भी बोला। और अब तुम क्या करने वाली हो एट्रिया? किसके साथ? लेडी बग के साथ। मुझे नहीं पता ब्लैक, मुझे डर इस बात का है कि अगर मैंने बताया तो वो डर जाएगी और मैं नहीं चाहता। तुम क्या कहना चाहोगे? ये तुम्हें सॉल्व करना चाहिए, मुझे इन सब में मत डालो, खासकर मिराकुलस होल्डर की जिंदगी में, और खासकर तब जब आइडेंटिटी पता चल चुकी है। मेरी शुगर क्यूब तुमसे ज्यादा चिंता में होगी, पर इसकी पॉजिटिव साइड तो देखो, कितनी डिलीशियस ब्रेड विद चीज। मैं चाहता हूँ कि उसे पता हो इस बारे में और मैं उसे बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। चलो तुम मुझे इस बात का आंसर दो, तुम उसे पसंद करते हो क्योंकि वो लेडी बग है, या इसलिए क्योंकि वो मैरिनेट है, या फिर तुम दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हो? हाँ, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ। तुम बहुत ड्रामेटिक हो। इतना सोच के तो मैं बहुत थक गया हूँ, इससे अच्छा है कि मैं सोने चले जाऊँ। पर लेडी बग जिस लड़की को लाइक करती होगी वो कौन हो सकता है? शायद लुका? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। गुड नाइट ब्लैक। गुड नाइट एड्रियन। गुड नाइट टिकी। ये मैरिनेट और ये है लुका। ओह ऑफ कोर्स, क्योंकि कल वो एब्सेंट था तो वो मैरिनेट से होमवर्क ले रहा है। पर वो इतनी बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा क्यों रहा है? शायद वो उसे पसंद करता हो। ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो ब्लैक, ये सच नहीं है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसे दोस्त की तरह देखती है। हाँ, जैसे तुम्हें देखती है जस्ट फ्रेंड। सारे प्रोजेक्ट बहुत ग्रेट थे। हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, तुम्हें नहीं लगता? या वी डिड इट। अब चाहे वो मैरिनेट हो या लेडीबग, मुझे तो दोनों से प्यार है। हाय मैरिनेट। हाय मैरिनेट, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट तुमने मेरे लिए बनाया था ये उसी का थैंक्स है, मुझे वो बहुत पसंद आया था। या वेलकम एड्रियन, और इस प्रेजेंट के लिए थैंक्स। ओह माय गॉड, उसे मेरा दिया हुआ चेक भी पसंद आया। वेल, अब मुझे जाना होगा, बाय। ऑफ कोर्स, बाय एड्रियन, बाद में मिलते हैं।